नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फोर्बिसगंज से दो दो खुशखबरी की खबर आ रही है, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे जो पहली खुशखबरी है वो ये कि फोर्बिसगंज का गेट नंबर दो की तरफ जो टिकट काउंटर है वो चालू होने वाला है। और दूसरी जो खुशखबरी है वो ये है कि फोर्बिसगंज में जो रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाना था उसके लिए रैक जो है वो आ चुका है फोर्बिसगंज के प्लेटफॉर्म पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रेल कोच रेस्टोरेंट के लिए ये रैक जो है आया है और इसे उतार कर अब जो है इसको स्थानांतरित किया जाएगा। इसे फोर्बिसगंज के मेन गेट की तरफ जो सर्कुलेटिंग एरिया है जहां पर शौचालय है उसी के सामने खाली जगह पर इसको लगाया जाएगा और उसके बाद इसका जो भी काम होगा वो किया जाएगा। तो रेक जो है और बताया जा रहा है कि आज शाम तक ये वहां पर लग भी जाएगा। तो ये जानकारी हमें चंदन भगत फोर्बिसगंज से दे रहे हैं कि आज शाम तक इसको ये जो रेक है इसको वहाँ पर जगह पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो नए टिकट काउंटर बने हैं गेट नंबर दो की तरफ, उसकी भी बात कर लेते हैं। उसका भी उद्घाटन होने वाला है और इसका उद्घाटन 14 मई 2023 को फोर्बिसगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन में माल परिचालन क्षेत्र और नए UTS और PRS काउंटर का शुभारंभ उद्घाटन समारोह संपन्न होगा। और ये जो अररिया के सांसद हैं माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा किया जाएगा। और इसके अलावा विद्यासागर केसरी जो माननीय विधायक है ये भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। तो दो दो खुशखबरी फोर्बिसगंज के लिए, जो नए टिकट काउंटर है उसका भी उद्घाटन कल यानी कि 14 मई को होने वाला है और रेल कोच रेस्टोरेंट का रैक जो है वो आ चुका है और जल्द ही आपको यहाँ पर रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू भी होगा और उसके बाद आप वहाँ पर आनंद भी ले सकते हैं। जैसे जोगबनी में शुरू हुआ है ठीक उसी तरह फोर्बिसगंज में भी रेल कोच रेस्टोरेंट का आप आनंद ले पाएंगे। और ये जानकारी हमें फोर्बिसगंज से चंदन भगत ने पहुंचाई है। तो जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के अपडेट पाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।